हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द रसोई जर्नल। मैं हूँ पूजा और आज हम बनाने वाले होली का स्पेशल कुछ और सबका फेवरेट भी। क्या बनाने वाले हैं? एनी गेसेस? हम बनाने वाले हैं, टाइटल तो सबको दिख ही गया होगा, दही भल्ले। दही भल्ले बनाएंगे, एकदम सुपर सॉफ्ट बनाएंगे और कोई मीठा सोडा नहीं डालेंगे, बहुत ही बढ़िया बनाएंगे। तो घर में कुछ लोग ऐसे होते हैं कि किसी को फ्राइड खाने हैं और किसी को स्टीम भी खाने हैं, क्योंकि वो लोग फ्राइड नहीं खाते ना, तो दोनों तरीके के बनाएंगे, किसी को नाराज नहीं करेंगे, दोनों तरीके के बनाएंगे। पर एक शर्त है, आप मेरे चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जो मेरी नेक्स्ट वीडियो आएगी ना, सबसे पहले आप उसको देख पाएं। तो करें बनाना शुरू, सब्सक्राइब कर लिया ना, चलो शुरू करते हैं। तो इसके लिए मैंने ले लिया है मूंग दाल, मैंने रात को ही भिगो के रख दिया था, एक कप बड़ा वाला भर के मूंग दाल मैंने भिगो के रख दी थी। आप क्या करते हैं, कुछ लोग इसमें वो सफ़ेद वाली उड़द दाल आती है ना, वो भी डालते हैं, कुछ लोग सिर्फ हरी दाल आती है छिलके वाली उसके भी बनाते हैं, कुछ लोग बीच में चना दाल भी डालते हैं। मैं सिर्फ ना मूंग दाल के बनाऊंगी, मैं ऐसे ही बनाती हूँ और काफ़ी अच्छे बनते हैं, आप देखना, बहुत बढ़िया बनते हैं, कोई मीठा सोडा नहीं डालना। बस कोई भी दाल आप लो, उसको 5-6 घंटे तो भिगोना ही भिगोना, नहीं तो रात भर भिगो दो और सुबह उसको छलनी में डाल के थोड़ी देर रख दो कि पूरा पानी उसका निकल जाए, कि जब हम उसको पीसेंगे ना, पीसते टाइम उसमें पानी नहीं डालना, बिना पानी के पीसना है, ऐसा लगेगा कि हम मिक्सी में वो पीस नहीं रही है, तो पानी नहीं डालना है, उसको साइड से चम्मच से हिला के जार बार बार खोल के थोड़ी सी मेहनत करके ना पीस लेना, बढ़िया पीस जाएगी दाल, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। दाल अच्छे से पीस लेना है, पानी नहीं डालना है, पहला पॉइंट याद रखना। और उसके बाद सेकंड इम्पॉर्टेंट मेथड जो मैं आपको अभी बताऊंगी, एक बढ़िया सी ट्रिक कि मीठा सोडा डाले बिना बिल्कुल रुई जैसे मुलायम भल्ले कैसे बनाने हैं। उसके लिए क्या है, दाल पीसने के बाद एक जादू करेंगे इसमें, इसको है अच्छे से फेंटना। फेंटने के लिए हम करेंगे, जो हाथ है ना, आप इलेक्ट्रिकल जो आजकल ब्लेंडर आता है आप उससे भी फेंट सकते हो, ये तो हाथ से फेंटना है, तो हाथ का जो साइड वाला हिस्सा है ना, इससे जो मैं आपको देखो वीडियो में भी मेरा हाथ दिख रहा होगा ना आपको तो हाथ को ऐसे टप 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 मार के ऐसे फेंटना है, उसमें मतलब हवा भरनी है, हवा भर भर के उसको डबल कर देना है, भाई दाल हमारी डबल हो जा, हम तेरे में हवा भर रहे हैं, तो उसको टप 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 मार के फेंटना है अच्छे से। इलेक्ट्रिकल नहीं तो जो आजकल ब्लेंडर आता है ना, आप विस्कर आता है उससे भी फेंट सकते हो, उससे 5 मिनट में फिट जाएगी, कोई मेहनत वाली बात नहीं है, थोड़ी बिजली लगेगी बस वैसे हाथ वाले का यार स्वाद ही अलग होता है। आप परात या बाउल किसी में भी फेंट लेना, 10-15 मिनट तो लगेंगे फेंटने में, उसके बाद देखो ऐसे दाल जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ ना, ऐसे तैयार हो जाएगी, फूल जाएगी। आप पानी में डाल के भी चेक कर सकते हो कि वो ऊपर तिरने लग जाएगा भल्ला, और बाकी ऐसे चम्मच से गिराओगे ना तो पूरा ऐसे एक बार में गिरेगी, ऐसे बिल्कुल हवा भर के बिल्कुल हल्की फ्लफी दाल हो जाएगी। तो दाल हमारी तैयार है, अब हम पहले कर लेते हैं भल्लों को स्टीम। स्टीम करने के लिए मैंने इडली का स्टैंड ले लिया, तो इसको मैंने ग्रीस करके चम्मच से ही ऐसे एक एक जो खाने वाला चम्मच आता है ना, एक एक चम्मच इसमें बैटर डाल दिया थोड़ा ग्रीस करके, ताकि निकाले ना तो वो आराम से आसानी से निकल जाए। बिल्कुल हल्का हल्का घी लगाया मैंने इसमें, तो एक एक चम्मच इसमें मैंने बैटर डाल दिया। कढ़ाई में मैंने रख दिया पानी स्टीम करने के लिए, तो और उसमें स्टैंड लगा के पानी एक बार जब से गर्म हो जाएगा ना, तो उसके बाद गैस को थोड़ा सिम कर देंगे, मतलब मीडियम सा कर देंगे, और स्टैंड लगा के इसमें, और जो इडली स्टैंड में अभी भल्ले रखे हैं वो इसके ऊपर रख के और कढ़ाई को कवर कर देंगे। पानी में उबाल तो आ ही गया है, तो गैस को कम करके 10 से 1 मिनट लगेंगे, 10 से 12 मिनट लगेंगे, भल्ले हमारे पक जाएंगे, इतनी देर लगेगी बस इसमें। हम उसके बाद चेक कर लेंगे पके या नहीं, वो जैसे टूथपिक डाल के चेक करते हैं ना, उस टाइप से हम चेक कर लेंगे पके या नहीं पके। तो इस कढ़ाई में भले ही स्टीम हो रहे हैं, और इस तब तक हम कर लेंगे जो फ्राई वाले लोग हैं ना उनके लिए फ्राई कर लेते हैं। दोनों का अपना अलग अलग स्वाद होता है, अब मन भर के पेट भर के बस खाना चाहिए, ठीक है। तो फ्राई करने के लिए मैं ले रही हूँ सरसों का तेल, आप कौन सा तेल यूज़ करते हो फ्राई करने के लिए? मैं ना मोस्टली सरसों का तेल, नॉर्थ में कहीं भी जाओगे ना तो मोस्टली आपको सरसों का तेल ही मिलेगा देखने को, जो लोग खाना बनाते हैं ना, सरसों का तेल का स्वाद बढ़िया होता है यार। तो सरसों का तेल ले लिया मैंने कढ़ाई में, और भल्ले तलना शुरू कर दिया, कुछ नहीं डाला इसमें, आप चाहो ना तो थोड़ा नमक डाल सकते हो, मैंने इसमें नमक नहीं डाला, मैं बाद में जो पानी में डिप करूँगी ना उसी में खूब सारा नमक डालती हूँ, कि नमक वो अब्जॉर्व अपने आप अब्जॉर्व कर लेता है।
तो इसमें तेल में मैं तलने लगी। पहले जब तलने लगो ना तब तेल होना चाहिए गरम, फुल गरम, पर क्योंकि भल्ले हम डालेंगे तो वो ऐसे ही तेल थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा। पर भल्ले डालने के बाद गैस को कम कर देना है, पूरे फुल पे पकाओगे ना तो वो बाहर बाहर से पक जाएंगे, अंदर कच्चे रह जाएंगे। तो एक बार डालोगे तब गर्म होना चाहिए, डालने के बाद गैस को कम कर देना है, फिर उसको अच्छे से पकाना है कि अंदर भी पक जाए बाहर भी पक जाए, ऐसे पकाना है उसको। तो भल्ले हमारे ऑलमोस्ट हो गए हैं, डन हो गए हैं, बाहर से भी लग रहे हैं क्या पक गए, थोड़े ब्राउन ब्राउन कलर हो जाता है ना, वैसे हो गए हैं। अब इनको हम प्लेट में निकाल लेंगे, जो न्यूज़पेपर टिश्यू पेपर इस पे किसी पे नहीं निकालने, सीधा से प्लेट में निकालने हैं। उसके बाद मैंने पानी ना साइड वाली गैस पे पहले गर्म कर दिया था, 5 कप के आसपास पानी ले लिया था मैंने, खूब सारा पानी ले लेना। और इसमें मैं नमक बड़ा वाला 1 चम्मच भर के नमक डाल दूंगी, खूब सारा, क्योंकि नमक मैंने भल्ले में नहीं डाला। और हींग भी मैं ज़्यादा डालूंगी क्योंकि हींग की बड़ी अच्छी खुशबू आती है, जो भल्ले भीगते हैं ना बहुत ही बढ़िया खुशबू आती है इसमें। उसके बाद भल्ले पानी में डाल के, दोनों जो स्टीम वाले थे वो भी मेरे तैयार हो गए हैं, वो भी मैं इसी में डाल दूंगी, और ये भी मैंने दोनों एक साथ डाल दिए थे, ज़्यादा झंझट नहीं करना है। तो आप अलग अलग पानी भी बना के अलग अलग भी डाल सकते हो। तो इसको डाल के मैं तकरीबन आधा घंटे के लिए रख दूंगी ताकि भल्ले के अंदर वो हींग का नमक का स्वाद भी चला जाए और वो फूल जाए, बहुत नरम हो जाएंगे, पानी अंदर तक जाएगा। तो आधे घंटे बाद हम देखेंगे भल्ले फूल के नरम बढ़िया हो गए हैं। अब उसको हम प्लेटिंग करेंगे। प्लेटिंग आप अपने हिसाब से कर सकते हो, कुछ लोग ना भल्ले में चाट में सेव भी खाते हैं, कुछ लोग प्याज खाते हैं, कुछ लोग प्याज नहीं खाते हैं, कुछ हरी चटनी खाते हैं, कुछ नहीं खाते हैं, सबका अपना अपना टेस्ट बड होता है। तो बट क्या ध्यान क्या रखना है, इसके ऊपर जो दही डालोगे ना, मीठी वाली दही होती है, वो दही ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है, उसी से काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है। और दही खूब सारा डालना है और भल्लों को थोड़ा दबा देना, सर्व करो और फिर खूब सारा दही डालना है। या तो आप दही में पहले डिप करके भी रख सकते हो, कि ऐसे है ना कि शाम को मेहमान आ रहे हैं और आपने दोपहर को तैयार कर लिए भल्ले, तो आप दही में भिगो के भी रख सकते हो। बस फिर क्या, प्लेटिंग करो, ऊपर थोड़ा अनार डालो, थोड़ा सा चाट मसाला डालो, थोड़ा जीरा डालो, बस तैयार करके लोगों को खिलाओ, खुद भी खाओ पियो मज़े करो। ठीक है, तब तक के लिए मेरे चैनल को पहले सब्सक्राइब जरूर कर लेना, याद रखना, भूल नहीं जाना। ठीक है, बाय बाय।